संतरा नगरी शहर से पहचाने जाने वाले नागपुर के कलमना मार्केट में इन दिनों संतरे की आवक बड़ी मात्रा में हो रही है, लेकिन इसकी बोली लगाने वालों की संख्या न के बराबर देखी जा रही है। देखा जाए तो आवक है, लेकिन इस संतरे की डिमांड नहीं। महानगर का नाम ऑरेंज सिटी से पड़ने के पीछे यहाँ के संतरे का देश विदेश में बहुत अधिक पसंद किया जाना है। जब भी लोग संतरा खाते हैं तो उन्हें ऑरेंज सिटी जरूर याद आती है, क्योंकि यहाँ 50 किलोमीटर के आसपास के सभी गांवों में संतरे की बहुत अधिक फसल होती है। इन दिनों कलमना फ्रूट यार्ड में संतरों की आवक तो रही है, लेकिन इन संतरों को बोली लगाने वालों की संख्या न के बराबर है। देखा जाए तो कलमना मार्केट में संतरे की बड़ी मात्रा में आवक हो रही है, लेकिन इसकी डिमांड नहीं है। बेमौसम बारिश के कारण संतरों का आकार छोटा होने से इसे भाव भी नहीं मिल रहा, भाव भी ऐसे कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही। कलमना मार्केट में भाव अधिक निचले स्तर पर, मतलब 6,000 से शुरू होकर 12,000 रुपए प्रति टन चल रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की बात करें तो इसके भाव ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए प्रति टन से ऊपर चलते हैं। लेकिन इस बार इन भाव के कारण संतरा उत्पादक किसानों की कमर टूट गई है। इसके चलते किसानों के साथ ही संतरे की हालत भी खराब हो रही है। थोक में तो जहां संतरे का भाव नहीं मिल रहा, वही चिल्लर में इसके भाव सुनकर ही लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। शहर में जगह जगह सड़कों पर संतरों का ढेर लगाकर बैठने वाले व्यापारी संतरे के भाव क्वालिटी अनुसार 70 से 90 रुपए दर्जन से अधिक बता रहे हैं। यानी हर माल की तरह संतरे में भी थोक में सस्ता और चिल्लर में महंगे का खेल चल रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज, नागपुर।